होली के बारे में तो हम सभी को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली क्यों मनाते हैं? होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? हम सभी होली के त्योहार के बारे में जानते हैं, लेकिन उसको मनाने का कारण बहुत कम लोगों को पता होता है। इसलिए आज हम आपको होली क्या है, कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है। यह त्यौहार कई अन्य देशों जिनमें अल्पसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं वहाँ भी धूमधाम से मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन, जिसे प्रमुखतः धूलेंडी और धुरंडी, धुरखेल या धूली वंदन इसके अन्य नाम हैं, लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिल जाते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान कर विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। होली के पर्व से अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के दर्प में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप से यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। बैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद अशुन रहता है। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त यह पर्व राक्षसी ढूंढी, राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगाकर नाच गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं तथा शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की और रंग खेला था। तो इस तरह से होली मनाने के पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। इस तरह की जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल प्रियंका सिंह ऑफिशियल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।